Good morning, dear students. I hope you all are fine. Dear students, as you know that we were doing questions of chapter footprint. Here is a small story. Yahan ek choti si story hai. We will read this. Rani and the milkman. Rani aur doodh wala. Anil is a milkman. Anil ek doodh wala hai. He gives the same amount of milk. Vah सेम दूध देता है एट रानीज़ हाउस रानी के घर एवरी डे हर रोज़ वो रानी के घर हो हर रोज़ एक जैसा एक समान दूध देता है ही यूजेस वो यूज़ करता है अ मग एक मग थ्री टाइम्स तीन बार टू फिल भरने के लिए रानीज़ मिल्क पॉट रानी के दूध के बर्तन को मतलब दूध वाला एक मग को तीन बार यूज़ करता है रानी के बर्तन को भरने के लिए वन डे एक दिन रानीज़ मदर रानी की माँ ने गेव हर उसे दिया और डिफरेंट पॉट एक अलग बर्तन टू टेक मिल्क दूध लेने के लिए एक बार रानी की मदर ने उसे एक अलग बर्तन दे दिया दूध लेने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन दे दिया आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा बड़ा बर्तन है एवरी डे हर रोज़ रानीज पॉट रानी का बर्तन वुड फिल टू द टॉप बिल्कुल टॉप तक भर जाता था बट टुडे लेकिन आज रानी फाउंड रानी ने देखा दैट द पॉट की जो बर्तन है वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली वो पूरी तरह से भरा नहीं था क्यों नहीं भरा था बच्चों हर रोज़ वो इस छोटे बर्तन में दूध लेती थी इसलिए भर जाता था लेकिन एक दिन उसकी मदर ने उसे ये बड़ा बर्तन दे दिया जिस कारण वो नहीं भरा तो रानी क्या देखती है फिर क्या बोलती है वो ओ टुडे अनिल हैज़ गिवन मी लेस मिल्क लेस मीन्स कम कि अनिल ने आज मुझे कम दूध दिया है डू यू थिंक क्या आप सोचते हो अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क अनिल ने उसे कम दूध दिया है तो हम इसका आंसर यहाँ नीचे लिख देंगे नो अनिल डिडंट गिव लेस मिल्क अनिल ने कम दूध नहीं दिया हेल्पर हमें रानी की हेल्प करनी है इसे समझाने के लिए रानी वॉज मिस्टेकन रानी को गलती हो गई थी समझने में एज शी हैड बिगर पॉट क्योंकि उसके पास आज बड़ा बर्तन था नेक्स्ट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे हाउ मच मतलब कितना मिल्क दूध योर मदर आपकी मदर बाय खरीदती है एवरी डे हर रोज़ यहाँ आपको आंसर में लिखना बच्चों कि आपकी मदर हर रोज़ कितना दूध लेती है यहाँ आप लिखेंगे वन लीटर टू लीटर जितना भी दूध लेती है आपको यहाँ उसका आंसर